हेलो गाइस, दिस इज़ आयुष एंड आई एम वेलकमिंग यू इन माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड ग्रीनरी। और टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन प्रोपागेट योर स्पाइडर प्लांट। तो भाई अभी अभी समर्स दिल्ली में जा रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं मानसून का अर्ली स्टेज शुरू हो चुका है दिल्ली में। तो समर्स में क्या होता है कि भाई काफ़ी लोगों के काफ़ी प्लांट्स मरते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है भाई समर्स में प्लांट का मरना, या फिर एक्सट्रीम जब विंटर आ जाती है उसमें प्लांट्स का मरना, क्योंकि दिल्ली में दोनों चीज़ एक्सट्रीम कंडीशन पे आती है कि लीफ बर्निंग वगैरह भी आ जाती है समर्स में, तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इस चीज़ से दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हो आपके प्लांट्स मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि आप एक प्लांट के लिए इतने अच्छे तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी प्लांट लवर होते हैं उनके पास एक दो प्लांट नहीं, मैं मान के चलता हूँ 100, 200, 400 प्लांट होते हैं, तो उसमें से एक दो प्लांट के लिए आपको जब बात आती है, एक दो प्लांट के लिए आपको अपनी कंडीशन चेंज करनी है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जैसे मेरा मॉन्स्टेरा ये भी एकदम मरने के स्टेज पर आ चुका है। तो समर्स में ऐसा होता है, विंटर्स में भी ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं भाई, गार्डनिंग तो ऐसी होती है कि आप हमेशा कुछ नए प्लांट्स लगाते हो, पुराने प्लांट्स मरते हैं, तो एकदम कॉमन सी चीज़ है ये। और कई बारी प्लांट्स मरते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम हर बारी प्लांट खरीद कर आएँ, हम कई बारी प्लांट्स को प्रोपागेट भी कर सकते हैं। तो प्रोपागेशंस के कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि आप कटिंग्स मेथड से ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला प्लांट किया था, ये कटिंग मेथड से ग्रो किया था, अभी इतना बड़ा हो गया। आप सीडलिंग्स लगा सकते हो, आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो, आप उसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड इन द सेंस कि जैसे ये प्लांट है इसको जीजी कहते हैं, तो आप इसके बेस को जब आप देखोगे तो इसमें से 3-4 प्लांट आ रहे होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता, जब भी आप इसको बाहर निकालोगे तो इसके रूट बाउल्स को आपको अलग करना होता है। जैसे ये वाला प्लांट है, इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारे प्लांट है, तो ये एक डिवीजन मेथड होता है, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। और स्पाइडर प्लांट की हम बात करें, पर्टिकुलर दिस प्लांट की, ये वैसे बहुत अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है, और ये एयर प्योरीफायर भी होता है, तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो तरीके सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मली डिवीजन मेथड, जो कि काफ़ी इजी होता है, और दूसरा होता है इसके रनर्स, ये साइड साइड में निकालते रहते हैं अपने, जो भी ये चीज़ इसको जो भी आप कहोगे इसको, वैसे तो इसको रनर ही कहते हैं, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इधर देखो, इसका एक रनर ये यहाँ से आया, ये ऐसे गया और ये अपने आप ही मिट्टी में लग गया, मैंने इसको कुछ नहीं किया। अब ये इसके अंदर रूट्स आ गए होंगी, मैं सिर्फ डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अभी इसमें प्लांट अपने आप ही लग गया, बल्कि मैंने कुछ लगाया भी नहीं इसे। यहाँ पे भी ऐसे काफ़ी प्लांट हैं जो अपने आप लग चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और इसके रनर का जो लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप नॉर्मली इसको निकालो, इसके रनर्स में पहले से ही रूट्स होती हैं, जैसे ये तो जल गए हल्के हल्के, ये इतने अच्छे तरीके से नहीं लगेंगे, क्योंकि समर्स थे, बहुत गर्म हवाएं चल रही थी, तो इसको मैंने लगाया भी नहीं। ये इसके अंदर रूट्स पहले से होती हैं, दिख रही होंगी आपको, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जस्ट नॉर्मली आप इसको किसी भी सॉइल में रखें, सॉइल में लगा दें, वरना आप इसको किसी पानी में भी लगा सकते हैं, अपने आप इसके रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। और स्पाइडर प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है। हाँ, इसमें कुछ प्रिकॉशंस जो लेने की होती हैं वो होता है कि आपको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना, जैसे अभी ये उतना हेल्दी आपको नहीं लग रहा होगा, और इसका केवल यही रीज़न है कि ओवर वाटरिंग की वजह से इसकी लीव्स थोड़ी सी डल डल सी हो जाती हैं। जैसे ये प्लांट है, इसकी लीव्स फिर भी काफ़ी अच्छी हैं, तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसा हो जाता है, इसीलिए प्लांट्स को आप कम पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो प्लांट्स के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेम यही रूल फॉलो होता है इनके फर्टिलाइज़र्स में भी, जब भी आप प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट्स जल्दी मर जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र ना देने से, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। और ये प्लांट इंडोर प्लांट है, इसलिए मैंने इसको शेड में रखा हुआ है, और वैसे तो मेरे सारे प्लांट्स ही शेड में हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, इसके लिए मैंने सारे प्लांट्स को शेड में ही रख रखा था। तो
बस इसका यही बहुत सिंपल सा रूल है, आप नॉर्मली इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड इन द सेंस कि जब आप इसको देखेंगे नीचे तो इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स बने होंगे, इसके अंदर काफ़ी प्लांट्स होंगे, 4-5-6। और रनर मेथड से अगर आप इसको उगाना चाहेंगे तो रनर मेथड्स में आप एक प्लांट से 100 प्लांट उगा सकते हैं और बहुत कम टाइम में। और जिसको कंपाउंडिंग की पावर पता है तो उसको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप 100 प्लांट क्या इससे 1,00,000 प्लांट भी बना सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आपको आपके अंदर इतना इंटरेस्ट होना चाहिए और आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि आप इस इतने प्लांट लगा लेंगे, वरना इतने सारे प्लांट्स को क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक प्लांट के अंदर 100 रनर आ जाते हैं। तो 100 रनर के बाद जब उनके 100 रनर आएंगे, ऐसे करके इसे कंपाउंडिंग कहते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं एक ही प्लांट से। जैसे नर्सरी वाले लगाते हैं, नर्सरी वाले इसके रनर्स को ही निकाल के लगाते हैं, तो आपको हर बार प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लगाएं, आप लोगों को गिफ्ट करें, इसके रनर्स को लगाएं, छोटे छोटे पॉट्स में बहुत क्यूट से लगते हैं, तो आप उसमें लगा लगा के गिफ्ट भी कर सकते हैं लोगों को। तो बस यही केयर थी इसकी, और इसको बस सेमी शेड एरिया में रखें, पानी कम दें, जितना पानी देंगे उतनी इसको दिक्कत आती है क्योंकि इसके रूट बाउल्स में पानी स्टोर हो के रहता है, इसके रूट्स बाउल में पानी स्टोर होता है तो वो होल्ड करके रखता है पानी को। इसीलिए इसके मतलब बल्ब होते हैं, इसके ट्यूलब्स कहते हैं उसको शायद, तो उसके अंदर पानी स्टोर होता है, शायद इसमें अभी दिखेगा नहीं, बट ट्यूलब्स होते हैं उसके अंदर पानी स्टोर रहता है, तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि पानी ये प्लांट स्टोर करके रखता है अपने लिए। एक्सेस वाटर बहुत हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी सेफ़ रहें, गार्डनिंग करें, लोगों से ये रनर्स उठाएं अगर आपके पास प्लांट नहीं है तो, अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। और बाकी तो ये एक वेजिटेबल वाइन है, आई डोंट नो कौन सी वेजिटेबल है ये, बट काफ़ी अच्छी जा रही है ये भी। और इसके साथ में एक फ्लावर की वाइन है जिसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता अभी इसका भी, जिसके अंदर रेड और रंगून क्रीपर है, और साइड में ही वेजिटेबल की कोई वाइन है, और काफ़ी अच्छी जा रही है ये भी अब। तो बाकी भाई गार्डनिंग करते रहें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। ओके, बाय बाय।